नमस्ते सभी को, मैं प्रियंका शाह स्वयंभू रेकी हीलिंग एंड योग से। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं कि रेकी क्या है, कैसे काम करती है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आइए एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर, आप ये वीडियो को एंड तक सुने। रेकी REIKI, फाइव लेटर्स का ये शब्द है, स्पेलिंग है इसका। REI का मतलब होता है ब्रह्मांडीय, यूनिवर्सल। KI का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सर्वव्यापी ऊर्जा इज इक्वल टू रेकी। सिंपल मीनिंग है। काम कैसे करती है, इसमें गुरु शिष्य परंपरा होती है कि जो रेकी मास्टर है उनसे रेकी अट्यूनमेंट लिया जाता है, यानी बोलो अट्यूनमेंट पास किया जाता है। रेकी शक्तिपात भी बोलते हैं, रेकी दीक्षा भी बोलते हैं इसको। तो जब आप ये रेकी शक्तिपात है, रेकी अट्यूनमेंट है, रेकी दीक्षा है, ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें पहले आपकी ऑरा शुद्धिकरण, ऑरा क्लींजिंग बोलते हैं जिसको, आभा का शुद्धिकरण किया जाता है सर्वप्रथम इसमें। फिर उसके बाद आपके ऊपर के चार चक्रास को ओपन किया जाता है एंड पाम चक्र को खोला जाता है, क्योंकि हीलिंग हैंड्स बन जाते हैं फिर आपके पाम चक्र एंड ऊपर के, और यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी का फ्लो आपके माध्यम से पास करा जाता है। फिर आप एक रेकी चैनल बन जाते हो, तो फिर आप अपना कुछ नहीं देते। नाउ यू आर द मीडिएटर, आप जस्ट एक मीडिएटर हो और आप पास कर रहे हो। तो रेकी शक्तिपात जो क्या है ये भी प्रश्न होता है, अट्यूनमेंट क्या है। तो अट्यूनमेंट में जो मास्टर होता है, जो गुरु होते हैं, वो आपको ये प्रोसेस करते हैं आपके ऊपर। हाईली स्पिरिचुअल होता है, उसमें जो गुरु है उनसे कनेक्टेड डिवाइन एंजल्स जुड़ते हैं इसमें। जो सामने वाला है उसके भी गार्डियन एंजल्स, वो जिस धर्म पे श्रद्धा रखता है, उस धर्म जिस गुरु को मानता है, उनसे जुड़े हुए सारे ही डिवाइन एनर्जी उनकी अट्यूनमेंट प्रोसेस में आती है। और उनको विजन, कई लोगों को अट्यूनमेंट में विजन होता है कि वो फेस दिखता है उन लोगों को क्लियर। कुछ लोगों को सिर्फ लाइट्स दिखती है, डिफरेंट कलरफुल लाइट्स दिखती है। कुछ लोगों को बस फील होता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा दिन एनर्जेटिक, खुशनुमा, उसके बाद उनको फील होता है कि समथिंग पावर मैंने रिसीव किया है। तो ये हर एक को अलग अलग अनुभूति होती है। तो ये तो बात हो गई रेकी अट्यूनमेंट की, जिसको भी जिस रूप में शक्तिपात मिलता है, बट वो उसके लिए एनर्जी वही है सबके पास, यानी कि किसी की किसी से कंपैरिजन नहीं है इसमें, सबका अपना अलग है, बट ऊर्जा वही है, काम वैसे ही करती है। तो ये है रेकी, सिंपल कॉन्सेप्ट है।